हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल लर्न मैथ्स स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। लास्ट हमने एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है a डिवाइड बाय b प्लस c नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाय b प्लस a डिवाइड बाय c, के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ a एंड b की वैल्यू हमें दी गई है। तो a एंड b की वैल्यू क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा है वो a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमारा a डिवाइड बाय b प्लस c नॉट इक्वल टू a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c, इसको क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू यानी कि दोनों सिमिलर नहीं है, यानी कि ए जो पार्ट है और ए जो पार्ट है वो दोनों सिमिलर नहीं है, उसको हम बोलते हैं LHS एंड इसको हम बोलते हैं RHS। क्या बोलते हैं, RHS। अब हम पुटिंग द गिवन वैल्यू इन LHS में, अब हमें LHS में पुट करना है वैल्यू, यानी कि हमारे पास ए इज इक्वल टू कितने हैं, a इज इक्वल टू हमारे पास ये 12, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 2, तो वो हमें यहाँ पे पुट करना है। तो LHS कौन सा है, तो कि a डिवाइड b प्लस c। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 12 डिवाइड ब्रैकेट में -4 प्लस 2, तो उसका क्या होगा, ये ब्रैकेट ओवर करेंगे तो ब्रैकेट का आंसर क्या है, 12, इट्स 12 का 12 ही रहेगा, डिवाइड -4 प्लस 2, 4 में से 2 कट -2, यानी कि यहाँ पे आंसर है -2, 12 -2 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय -2, 2 के टेबल में 12 कब आता है, 6, कब 6, बट माइनस हो दूंगा यानी कि -6 आंसर होगा, -6 LHS का आंसर है -6। अब हम देखेंगे RHS, तो पुट द वैल्यू, पुटिंग द गिवन वैल्यू इन RHS। अब RHS में हमें पुट करेंगे, यानी कि RHS है हमारा ये, तो a डिवाइड बाय b प्लस a डिवाइड बाय c। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू को, 12 डिवाइड -4 प्लस 12 डिवाइड 2। यहाँ पे क्या किया है, 12 डिवाइड -4 प्लस 12 डिवाइड 2, तो अब यहाँ पे आंसर क्या होगा, -3, क्योंकि 12 के 4 के टेबल में 12 कब आता है, 3 4 जा 12, यानी कि 12 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमारा आंसर होगा -3 प्लस यहाँ पे होगा 12 डिवाइड बाय 2 यानी कि 6 2 जा 12, तो हमारा हुआ यहाँ पे। अब उन दोनों का एडिशन, तो माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा, 6 में से 3 कट तो 3, तो RHS आपका है 3 एंड LHS है आपका -6, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो नहीं होगा वेरीफाई दिस। तो हमारा जो यहाँ पे लिखा है, वेरीफाई दिस इज फॉलोइंग, के इट इज अ सेटिस्फाई, a डिवाइड बाय b प्लस c नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाय b प्लस a डिवाइड बाय c। सेकेंड है, सेकेंड में भी हमें a इज इक्वल टू -10, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1 दिया है, तो यहाँ पे भी चेक करना है। तो पुट द वैल्यू, पुटिंग द गिवन वैल्यूज इन LHS में, LHS में हमें पुट करना है, तो a यहाँ पे a डिवाइड b प्लस c, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है -10, तो यहाँ पे हम -10 लिखेंगे, डिवाइड b की वैल्यू क्या है, 1 प्लस 1, तो हमारा आंसर होगा -10 डिवाइड 1 प्लस 1 2, 10 टू ज़ा 10 के डिवाइड बाय 2 करना है, यानी कि 2 के टेबल में 10 कब आता है, 5, 2 5 ज़ा 10, तो हमारा आंसर होगा -5। उसके बाद RHS, अब पुट द वैल्यू, पुटिंग द गिवन वैल्यू इन
RHS, RHS में हमें पुट करना है, तो क्या दिया है RHS में, A डिवाइड बाई B प्लस A डिवाइड बाई C, तो A क्या है हमारा माइनस 10 एंड डिवाइड B हमारा 1 है प्लस माइनस 10 डिवाइड 1, दोनों के साथ 1 1, क्योंकि B एंड C की वैल्यू क्या है 1 एंड 1, तो हमारा क्या होगा आंसर माइनस 10 डिवाइड बाय 1, 1 टेंस आर 10 यानी कि 10 माइनस 10 आंसर है प्लस यहाँ पे क्या होगा माइनस 10, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा माइनस 10 माइनस 10, तो माइनस माइनस प्लस माइनस 20 हमारा RHS है, तो आपका LHS है माइनस 5 एंड RHS है आपका माइनस 20, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, के LHS एंड RHS नॉट इक्वल टू है, तो वेरीफाई दिस जो हमें दिया है वो क्या है सच है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, हमें ब्लैंक्स फिल करना है, तो फर्स्ट दिया है 369 डिवाइड बाय ब्लैंक इज इक्वल टू 369, दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारा आंसर होगा 1, क्योंकि 369 को हम 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर एज इट इज इटसेल्फ ही होगा 369। सेकेंड है माइनस 75, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है, तो अब हमें माइनस की साइन रखनी नहीं है, अब हम 75 यहाँ पे लिखा है तो 75 को किसके साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, यानी कि इट सेल्फ के साथ ही डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि 75 डिवाइड 75 तो आंसर होगा 1, बट माइनस प्लस माइनस तो आंसर होगा आपका 75। उसके बाद है माइनस 206, क्या है माइनस 206, तो यहाँ पे 1 आंसर है पॉजिटिव आंसर है, यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन है, तो नेगेटिव में हमें 2 टाइम्स नेगेटिव होगा तब हमारा आंसर पॉजिटिव हो सकता है, तो यहाँ पे भी हम माइनस की साइन रखेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है, तो बोथ साइड माइनस की साइन होगी तब हमारा आंसर पॉजिटिव आ सकता है, तो 206 को 206 के साथ ही डिवाइड करेंगे तब हमारा आंसर हो सकता है 1। उसके बाद है माइनस 87 डिवाइड बाय इज इक्वल टू 87, यहाँ पे पॉजिटिव आंसर है एंड नेगेटिव क्वेश्चन है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 87 यानी कि 87 को किसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर इटसेल्फ होता है तो 1। उसके बाद है ई, तो यहाँ पे माइनस 87 है, क्या है माइनस 87, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आंसर हमें नेगेटिव में दिया गया है, तो क्वेश्चन भी हमारा नेगेटिव में 1% होना चाहिए, तो माइनस की साइन, यहाँ पे हमने क्या किया है 87 दिया है तो 87 डिवाइड बाय 1 87। उसके बाद क्या है यहाँ पे ब्लैंक डिवाइड बाय 48 इज इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस 1 की साइन दी गई है यानी कि दोनों में से एक को हमें क्या चाहिए माइनस की साइन, बट यहाँ पे तो 48 पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस की साइन रखेंगे एंड 48। उसके बाद 20 है डिवाइड बाय 2 है, तो 20 को किसके साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 2 आ सकता है, तो 10 एंड यहाँ पे माइनस की साइन है तो यहाँ पे भी माइनस रखेंगे क्योंकि आंसर हमारा माइनस में होगा तब हमारा क्वेश्चन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन का नेगेटिव होना जरूरी है। उसके बाद एच नंबर में भी ऐसा है कि हम किसको 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 3 आ सकता है, बट आंसर 3 है वो नेगेटिव है तो नेगेटिव हमारा 1% होना चाहिए एंड अब हम क्या करेंगे 12, क्योंकि 12 डिवाइड बाय 4 3, क्योंकि 4 3 12 तो हमारा आंसर होगा 12 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 3, तो हमारा आंसर होगा माइनस 12। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया कि राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स ए एंड बी, के एवा ए एंड बी हमें चाहिए कि उसकी पेयर चाहिए 5,
कि उसके a डिवाइड बाई b होगा तब हमारा आंसर माइनस थ्री आ सकता है। तो बिकॉज हमें फर्स्ट पेयर दी गई है 6 and -2। कैसी पेयर है? 6 and -2 वाली पेयर दी गई है एग्जांपल में, 6 -2 वाली पेयर है। तो हमें ऐसा एग्जांपल लिखना है, 5 एग्जांपल। तो फर्स्ट हम ऐसा लिख सकते हैं, -3 आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे 9 divided by -3, 9 divided by 3 करेंगे तो हमारा आंसर -3 आ सकता है, यस। उसके बाद -3 divided by 1 इज इक्वल टू -3 आ सकता है। तो हमारी फर्स्ट यहाँ पे 9 and -3 वाली पेयर बनी, यहाँ पे होगी -3 and 1 वाली पेयर है। थर्ड नंबर 15 divided by -5 क्या है? 15 divided by -5 5 के टेबल में 15 कब आता है? 3 जा, यानी कि यहाँ पे होगा -3 आंसर। तो हमारी पेयर है कौन सी? 15 and -5 वाली पेयर। फोर्थ नंबर में यहाँ पे होगा 18 divided by -6 क्या है? 18 divided by -6, तो प्लस माइनस माइनस एंड 6 के टेबल में 18 कब आता है? 3 जा, यानी कि हमारा आंसर हुआ -3। -3 आंसर है, सिटी से आना चाहिए, हमें पेयर बनानी है। तो हमारा पेयर कौन सी है? 18 and -6 वाली पेयर है। फिफ्थ नंबर में हम कौन सा डिजिट ले सकते हैं? तो कि -27 -9 के 27 divided by 9 तो हमारा आंसर होगा -3, यानी कि 9 के टेबल में 27 कब आता है? 3 जा, तो हमारी पेयर कौन सी बनी? -27 and 9 की पेयर बन सकती है। तो ये हमने बनाई है पेयर। क्वेश्चन नंबर हमारा 2, 3 and 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। आगे का जो 5, 6 and 7 है वो हम आगे देखेंगे।